कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के टाइटल में आपने देखा कि हम कैसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अच्छा बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने काइन मास्टर में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने 16:9 रेशो ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने अपनी कोई PNG इमेज, जो भी फ़ोटो है उसको आप सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ जूम में जाकर इसको जूम कर लेना है। जैसे मैं अपनी इस फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद में इसको मैं बैक कर लेता हूँ। फिर अब दोस्तों हम फिर से लेयर में जाएंगे और अफेक्ट में जाकर, बेसिक अफेक्ट हैं, इसको हम ओपन करेंगे और ये अफेक्ट डालकर हम पूरी पिक में कर देंगे। और इसकी लेंथ को और इसको भी थोड़ा सा बैक करके जो इसकी इस शेप में जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन इतना कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों इसकी लेंथ को बढ़ाकर हम अपनी इस पिक की लेंथ के बराबर कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हम फिर से मीडिया में जाएंगे और अपनी जो शेप है वो उसको हम ले लेंगे। और अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो ये मटेरियल मैं अपने वीडियो के लिंक में आपको दे दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको इसको सेट कर लेना है कुछ तरह इस तरीके से, जिससे कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ इस तरह। उसके बाद में दोस्तों आपको क्रोमा की पर जाना है और इसको क्रोमा की को अनेबल कर देना है, और इसके कलर को हम ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसके हम लेंथ को बढ़ाकर 59 कर देंगे और इसको इधर कर लेंगे। अब दोस्तों देखो कितना अच्छा लग रहा है, और इसको अब हम एक बार प्ले करके देखते हैं कितना अच्छा शानदार लग रहा है। तो दोस्तों ये आपको ये लिरिक्स वीडियो नहीं मिल रही, ये टेम्पलेट नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। आप वहाँ जाकर इसको चेक कर लेना कि कैसे ये डाउनलोड होता है। इसके बाद में दोस्तों ये कितना अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, और इसको हम ये सेव कर लेंगे 1080 के ऊपर। सेव करने के बाद में दोस्तों हम फिर से हम बैक जाएंगे और फिर से एक नई वीडियो क्रिएट कर लेंगे, और 16:9 रेशो वाला फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम इमेज में जाएंगे और ब्लैक इमेज ले लेंगे, और इसकी वीडियो की लेंथ बढ़ाकर हम थोड़ा सा वहीं कर देंगे 26 के आसपास। इसके बाद में दोस्तों हम अपने वहीं वीडियो जो सेव की थी ले लेंगे, और लेने के बाद में इसको फुल टू स्क्रीन कर देंगे, स्लिप स्क्रीन एंड फुल स्क्रीन में कर लेंगे। फुल साइज स्क्रीन करने के बाद में हम दोस्तों क्रोमा की पे जाएंगे और इसको अनेबल कर देंगे, और अनेबल करने के बाद में दोस्तों इसको हम 60 कर लेंगे और इसको हम 40 के लगभग कर देंगे। इस तरह से इसके बाद में हम बैक हो लेंगे दोस्तों, और हम अपनी एक वीडियो फ़ोटो जो हमने चूज करनी है कौन सी वाली करें, ये वाली कर लेते हैं, और इसको हम जूम करके ब्लेंडिंग पे जाएंगे और स्कैन कर देंगे कुछ इस तरह। बाद में आपको दोस्तों मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा सा हमारा ये प्ले हो रहा है, और कुछ इस तरह करने के बाद में आपको दोस्तों लेयर्स में जाकर फिर से हम मीडिया में जाएंगे और एक PNG सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये रही, ठीक है।
पीएनजी सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हम इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, और एडजस्ट करने के बाद में हम इसको ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद में दोस्तों हम फिर से लेयर में जाएंगे और मीडियम जाके हम अपनी कोई दूसरी फ़ोटो मॉडल्स को हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, और इसके हिसाब से फ्रेम के हिसाब से हम मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह, और इसको मैं सेंड टू बैक कर दूंगा। बाद में दोस्तों हम फिर से लेयर्स में जाकर मीडिया में जाएंगे और अपने एक मॉडल्स को फिर से चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं ये चूज कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पर लाकर इसको पीएनजी के हिसाब से सेलेक्ट कर लूँगा। इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ मैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। जैसे कि मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, जैसे ये वाला हो गया। इसको और थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, अब ठीक है। इसको इसके पीएनजी के हिसाब से हमें इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और सेंड टू बैक कर देता हूँ दोस्तों। और इस पीएनजी के हिसाब से इसको मैं फिट कर देता हूँ। इस तरह करने के बाद में दोस्तों इसकी लेंथ को हम इसके लेंथ के बराबर, वीडियो की लेंथ के बराबर हम कर देंगे। और दोस्तों इतना कुछ करने के बाद में दोस्तों आपको फिर से लेयर्स में जाना है और मीडिया में जाके एक रेड वीडियो पीएनजी सेलेक्ट करके इसको ऐसे फुल टू स्क्रीन कर देना है। और फुल टू स्क्रीन करने के बाद में दोस्तों हम इसकी ओकोपेसिटी जो है वो कम कर देंगे, जो कि 60 के लगभग कर देंगे। करने के बाद में हम ब्लेंडिंग में जाकर इसको स्क्रीन कर देंगे। आपको फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाकर आपको डाउनलोड में जाकर और एक ये म्यूजिक है इसको आप सेलेक्ट कर लेना है, और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, इसको यहाँ फिर से ब्लेंडिंग में जाकर इसको ऑन स्क्रीन कर देंगे। ऑन स्क्रीन करने के बाद में थोड़ा सा म्यूजिक आपको सुना देता हूँ। तो कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। उसके बाद में हम फिर से लेयर्स में जाकर मीडिया में जाएंगे और एक पीएनजी को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम फुल टू स्क्रीन कर देंगे कुछ इस तरह। और ब्लेंडिंग में जाके दोस्तों हम इसको ऑन स्क्रीन कर देंगे। दिखाता हूँ दोस्तों कितना प्यारा वीडियो बना है हमारा। इसके बाद दोस्तों हम लेयर्स में जाकर मीडिया में जाएंगे
और ये बॉर्डर स्कैन पीएनजी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको फिर हम स्लिट में जाकर फुल टू स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको स्क्रीन कर देंगे। और दोस्तों इसकी लेंथ को हम खींच कर हम इसकी वीडियो के साइज के बराबर कर लेंगे और इसके जो फालतू के भाग हैं अब उसको कट कर देंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।